तो काइनेटिक फ्रिक्शन की थ्योरी पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो तब लगता है जब दो सरफेस के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो बल्कि रिलेटिव मोशन की सिर्फ टेंडेंसी हो। कहते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन। Between two surfaces in contact, but only tendency of relative motion is present। ठीक है, तो यहां पर हमें समझना है कि टेंडेंसी का मतलब क्या है। जैसे सपोज यहां पर एक ब्लॉक रखा है ना, ये ब्लॉक जो है ये रेस्ट पर है, मूव नहीं कर रहा है ना, तो अभी कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मूव नहीं कर रहा तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी नहीं होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो जीरो है ना। अभी ये रेस्ट पर है, हमने कोई फोर्स भी नहीं लगाया, तो इसमें स्लिप होने की टेंडेंसी नहीं है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा। अगर बाय चांस कोई कहता है कि चलो इसमें फ्रिक्शन फोर्स अभी लग रहा होगा, अगर मान लिया जाए कि फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, ठीक, हमने तो कोई फोर्स लगाया नहीं, अगर फ्रिक्शन फोर्स लगने लगा फिर तो ब्लॉक अपने आप इधर चलने लगना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं कि ब्लॉक जो है अपने आप चलने लगे, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हमने कोई फोर्स नहीं लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं लग रहा होगा। तो यहां पर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि यहां पर स्लिप होने की टेंडेंसी नहीं है। टेंडेंसी कैसे आएगी? जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे। जैसे ये ब्लॉक है, हमने इस पर फोर्स लगाना शुरू करा, ये हमने एक ड्राइविंग फोर्स लगाया है, ठीक है, इसको कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। अब जैसे ये ड्राइविंग फोर्स आएगा तो ये ब्लॉक जो है आगे की तरफ खिसकना चाहेगा, लेकिन अगर फ्रिक्शन होगा तो पीछे की तरफ उल्टा डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन आ जाएगा, और ये जो फ्रिक्शन होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, वो इस फोर्स को रोक लेगा, यानी इस ब्लॉक को खिसकने से रोक लेगा, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जब हमने ड्राइविंग फोर्स लगाया तो इस ब्लॉक में खिसकने की टेंडेंसी आ गई, टेंडेंसी आ गई तब उसको रोकने के लिए, क्योंकि अब स्लिप हो सकता था तो रोकने के लिए ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया, है ना। जैसे कोई इंक्लाइन प्लेन हो, है ना, इंक्लाइन प्लेन है, तो इंक्लाइन प्लेन पर ब्लॉक रखने से हो सकता है कोई ब्लॉक जो है स्टेशनरी हो, स्टेशनरी इसलिए होगा क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स आ गया है। फ्रिक्शन फोर्स कब आएगा? जब एमजी साइन थीटा जो है, एमजी का एक कॉम्पोनेंट आएगा इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल, एमजी साइन थीटा, है ना, एमजी साइन थीटा इधर आएगा, तभी उसका उल्टा डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा उसको जस्ट बैलेंस करने के लिए, ठीक। तो यहां पर क्या है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, ये ब्लॉक चल नहीं रहा है, और इसलिए क्या हो रहा है कि जितना हमने ड्राइविंग फोर्स लगाया होगा उतना फ्रिक्शन फोर्स लग गया होगा उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक। तो यहां पर हमें समझ में ये आया कि ये जो टेंडेंसी की हम लोग बात करें वो कहां से आता है, वो आता है ड्राइविंग फोर्स की वजह से, है ना। जो टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग कम्स व्हेन ड्राइविंग फोर्स इज प्रेजेंट। तो जब ड्राइविंग फोर्स होगा तभी जो है टेंडेंसी आएगी, तो टेंडेंसी पहचानने के लिए हमें ड्राइविंग फोर्स का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, वो सारे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। तो जो पहला पॉइंट है वो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी को अपोज करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन
ऑलवेज अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। और टेंडेंसी कैसे देखते हैं, ड्राइविंग फोर्स के हिसाब से, है ना। जैसे अगर कहा जाए कि अपने पास दो ब्लॉक्स हैं, है ना, एक ब्लॉक है ए और दूसरा ब्लॉक है बी, ठीक। अब जो है वैसे दोनों रुके हुए हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने नीचे वाले पर एक 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक। तो जिस पर हमने फोर्स लगाया इसमें अब वाले दोनों के बीच में स्लीपिंग नहीं, कहीं भी स्लीपिंग नहीं हो रहा है, लेकिन जब फोर्स लगाया है तो इनमें स्लीप होने की टेंडेंसी आ गई, बी में टेंडेंसी आई आगे भागने की, है ना। और इसमें क्या है, ये तो रुका रहना चाहेगा, तो इसमें क्या है कि इसकी टेंडेंसी है आगे जाने की, तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है वो हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे, टेंडेंसी के हिसाब से, है ना। जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन में बताया था कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो उसके हिसाब से हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करते थे। वैसे ही यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन में टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन होता है। तो अगर यहां पर हमें डायरेक्शन पता करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि जैसे ये बी वाला ब्लॉक है, इस पर फोर्स लग रहा है इधर, यानी इसमें टेंडेंसी है आगे जाने की। जब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन चेक करना हो तो मैं यहां पर एक ऑब्जर्वर बैठा दूंगा, ठीक। भले इनके बीच में कोई चल नहीं रहा, लेकिन इसमें टेंडेंसी आ गई इधर भागने की, क्योंकि फोर्स लग गया। जब इसमें टेंडेंसी आ गई इधर भागने की, यानी इसके रिलेटिव में इसकी पीछे जाने की टेंडेंसी है, तो इसमें पीछे जाने की टेंडेंसी है, तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ आएगा F1, है ना, और इसमें जो है जस्ट उल्टा डायरेक्शन में आ जाएगा F1। उसी तरह से इन दोनों के बीच में देखेंगे तो क्या होगा, यहां पर मैं ऑब्जर्वर बैठाता हूं, चूंकि फोर्स इस पर लग रहा है तो इसमें टेंडेंसी है इधर जाने की, उधर जा नहीं रहा लेकिन टेंडेंसी आ गई क्योंकि इधर ड्राइविंग फोर्स लग रहा है, तो इसके रिलेटिव में इसकी इधर जाने की टेंडेंसी है, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स यहां पर आएगा अपोजिट डायरेक्शन में F2, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स जो है F2 आ जाएगा राइट वर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस टेंडेंसी के हिसाब से, यानी कि फोर्स के हिसाब से जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, यह ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है उसकी वैल्यू बताता है। ये कहता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेज इन कॉन्टैक्ट तो जैसा कि हमने काइनेटिक फ्रिक्शन में भी लिखा था, वैसे ही स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, है ना। जैसे यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ना, और ये ब्लॉक वैसे स्टेशनरी है लेकिन इस पर हमने एक ड्राइविंग फोर्स लगाया है, तो इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं। यहां पर एक नॉर्मल लगेगा एन और एक नीचे लगेगा एन, इस पर हमने ड्राइविंग फोर्स लगाया है, तो जो भी यहां पर फ्रिक्शन फोर्स आएगा इधर, है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स, उस फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इन दोनों कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, उसको हम लोग कहते हैं
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वेयर म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जैसा कि हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ा था, वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी होता है। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बताया था कि वो जो है दोनों सरफेस जो कांटेक्ट में होते हैं उनकी कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है। ये भी कहा था कि वो जो म्यू के होता था वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से इनडिपेंडेंट होता था। बिल्कुल सारा चीज इसके साथ भी वो सही है। इसमें भी कहते हैं कि म्यू एस इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। And it is independent of area of contact। ठीक, तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के बारे में बताया था वो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के बारे में भी है। यहां पर बिल्कुल वही सेम प्रॉपर्टी है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जैसा कि कहा कि स्टैटिक फ्रिक्शन का ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इससे कम भी हो सकता है ना। तो कहा जाता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मे वैरी फ्रॉम जीरो टू एफ मैक्सिमम यानी कि म्यू एस एन। तो कह सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है, जीरो से बड़ी भी हो सकती है, और ज्यादा से ज्यादा जो है वो म्यू एस एन के इक्वल हो सकता है ना। तो ये जो पॉइंट है ये ध्यान रखना है। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो वेरिएबल होता है, जबकि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू थी वो फिक्स थी, वो म्यू के एन हमेशा रहता था काइनेटिक फ्रिक्शन, जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है ये वैरी कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टेबल नेचर का होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन हैज सेल्फ एडजस्टेबल नेचर। अब ये सेल्फ एडजस्टेबल नेचर क्या है, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया कि यहां पर एक बड़ा सा बॉक्स रखा है ना। ये ऐसा बॉक्स है जिसका मास दिया है 60 kg, है ना, और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, रफ सरफेस पर, जहां पर म्यू एस दिया गया है 0.6, है ना। अब जो है यहां से एक आदमी इस पर फोर्स लगा रहा है ये 20 न्यूटन का। तो हमें बताना है कि इस बॉक्स पर कितना स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो कोई सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पता करेंगे, और वो आएगा म्यू एस इंटू एन। एन कैसे निकालेंगे, यहां से देखेंगे कि नीचे तो आएगा इसका वेट 60 g और ऊपर की तरफ आएगा नॉर्मल। ये नॉर्मल और 60 g इक्वल होना चाहिए, है ना, क्योंकि बॉक्स जो है वो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में, यानी 600 न्यूटन का नॉर्मल आएगा। तो यहां पर रखेंगे म्यू एस का वैल्यू है 0.6 और नॉर्मल का वैल्यू है 600, यानी कि 360 न्यूटन, है ना। तो 360 न्यूटन का मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है। तो अगर पूछा जाए कि एक आदमी 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पर कितना आएगा, तो कोई कह सकता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो 360 न्यूटन आएगा, है ना।
लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस देखें क्या होता है कि अगर आदमी 20 न्यूटन का फोर्स लगाता है और फ्रिक्शन फोर्स 360 न्यूटन का आ गया उल्टा, तो देखेंगे कि आदमी ने जितना फोर्स लगाया था उससे तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स है, तो होगा क्या, ये जो बॉक्स है ये बॉक्स पीछे की तरफ चलने लगेगा। मतलब होगा क्या कि आदमी धक्का दे रहा उधर, उल्टा बॉक्स उसको धक्का देने लगेगा, बॉक्स पीछे जाने लगेगा, है ना। ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कि 360 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स यहां पर नहीं लगेगा। तो होगा क्या कि 20 न्यूटन का जब हम लोग फोर्स लगाएंगे तो ये बॉक्स खिसकेगा ही नहीं उस टाइम में, इसलिए नहीं खिसकेगा कि यहां जो फ्रिक्शन फोर्स है ये भी 20 न्यूटन का ही आएगा। सपोज दो आदमी लग जाएंगे तो दो आदमी मिलकर के 40 न्यूटन का फोर्स लगाने लगेंगे, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो भी 40 न्यूटन का हो जाएगा, यानी तब फिर से बैलेंस हो जाएगा फोर्स और ये बॉक्स खिसकेगा नहीं। तीन आदमी हो गए तो 60 न्यूटन का फोर्स लगाने लगेंगे, 20 20 20, है ना। मतलब कि 60 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी 60 न्यूटन का हो जाएगा, यानी बॉक्स जो है अभी भी नहीं खिसकेगा, जितना आदमी ने फोर्स लगाया उतना फ्रिक्शन फोर्स आ गया, ये खिसकेगा नहीं। ऐसा मान लेते हैं कि टोटल 18 आदमी लग गए, 18 आदमी लगेंगे तो इंटू 20, हर आदमी 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो टोटल फोर्स जो है इधर से वो 360 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा। अगर 18 आदमी लग गए तो 360 न्यूटन का फोर्स इधर से लगेगा, तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये भी 360 न्यूटन लग जाएगा, जितना हमने फोर्स इधर से लगाया उतना फोर्स इधर से लग गया, ठीक। अब सपोज एक इधर से चूहा आता है, चूहा आकर के इस बॉक्स में धक्का मारता है, चूहा ने सिर्फ एक न्यूटन का फोर्स लगाया है, एक न्यूटन का फोर्स लगाया मतलब इधर से लगने वाला फोर्स जो है वो हो गया 361 न्यूटन, है ना। इधर से लगने वाला फोर्स 361 न्यूटन हो गया तो अब फ्रिक्शन फोर्स नहीं बढ़ सकता, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है 360, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो क्या होगा, अब ये बॉक्स जो है खिसक जाएगा, है ना। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम लोग ड्राइविंग फोर्स बढ़ा रहे थे, ये फ्रिक्शन फोर्स भी उसके हिसाब से बढ़ रहा था, जितना हमने ड्राइविंग फोर्स लगाया उतना फ्रिक्शन फोर्स लगा, हमने 20 लगाया तो ये भी 20 लगा, हमने 40 लगाया ये भी 40 लगा, हमने 60 लगाया ये भी 60 लगाया, हमने 360 लगाया तो इसने भी 360 लगाया, लेकिन जैसे ही हमने 361 लगाया तो अब ये 361 नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लिमिट आ चुकी है, अब क्या होगा, बॉक्स खिसक जाएगा, ठीक। तो जब तक इसकी जो फ्रिक्शन की जो वैल्यू है या ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू है मैक्सिमम तक नहीं पहुंचती, है ना, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जब तक मैक्सिमम तक नहीं पहुंचती तब तक ये फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द ड्राइविंग फोर्स, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये सेल्फ एडजस्टेबल नेचर का होता है। मतलब हम जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स अपने आप को एडजस्ट करके लगा लेगा, ताकि जो ऑब्जेक्ट है वो खिसकेगा नहीं, और इसीलिए कहते हैं कि ये सेल्फ एडजस्टेबल नेचर का होता है। लेकिन वो एडजस्ट कब तक करता है, जब तक कि फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू नहीं पहुंच जाए, इसको हम लोग लिमिटिंग वैल्यू भी कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं पहुंच जाता तब तक वो फ्रिक्शन जो है वो एडजस्ट करता है, लेकिन अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स या लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा ड्राइविंग फोर्स हो गया तो अब ये एडजस्ट नहीं कर सकता, अब क्या होगा कि वहां पर स्लिपिंग हो जाएगा, ठीक है। स्लिपिंग होते ही क्या हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, तब तो स्टैटिक रहेगा नहीं, यानी जब तक स्टैटिक रहेगा तब तक ड्राइविंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स बराबर रहेंगे, है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। उसके बाद जो है हम लोग आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, इसमें यह कहा जा सकता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द नेट ड्राइविंग फोर्स, है ना। नेट ड्राइविंग फोर्स का मतलब मैं बता देता हूं, नेट ड्राइविंग फोर्स होता है रिजल्टेंट ऑफ
ऑल द फोर्सेस एक्सक्लूडिंग फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन को छोड़ करके बाकी जितने भी फोर्सेज हैं सबका रिजल्टेंट निकालेंगे पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सरफेस। है ना, जैसे यहां पर कॉन्टैक्ट सरफेस है तो इसके पैरेलल हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, वो भी फ्रिक्शन फोर्स छोड़ करके। तो जैसे इस केस की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन को छोड़ के कि ये आदमी फोर्स लगा रहा था, तो आदमी ने जो फोर्स लगाया था उसको हम लोग कहेंगे ड्राइविंग फोर्स है। ठीक, तो इसमें कहा गया इस पॉइंट में कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो हमेशा नेट ड्राइविंग फोर्स के इक्वल होता है। तो ये देखना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि जब आदमी 20 न्यूटन का फोर्स लगाता था तो फ्रिक्शन भी 20 का आता था, यहां तक तो सही है। 40 लगाता था आदमी तो फ्रिक्शन भी 40 होता था, 60 लगाता था आदमी तो फ्रिक्शन भी 60 था, आदमी 360 लगाता था तो फ्रिक्शन फोर्स भी 360 लगाता था। यानी यहां तक तो सही है कि जब तक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू नहीं पहुंच जाता तब तक ड्राइविंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों बराबर होते हैं। अगर ड्राइविंग फोर्स 360 से बड़ा हो गया, मान लेते हैं 361 हो गया, अब जो है फ्रिक्शन फोर्स तो आगे जा ही नहीं सकता, तो अब जो है 360 अब फ्रिक्शन फोर्स जो है अब उस ड्राइविंग फोर्स के बराबर नहीं होगा। ड्राइविंग फोर्स 361 हो गया, फ्रिक्शन फोर्स 360 ही रहेगा, 361 नहीं हो सकता क्योंकि इसकी लिमिटिंग वैल्यू आ गई है ना। लेकिन तब भी अपना स्टेटमेंट ये सही है क्योंकि जैसे ही वो 361 होगा तो ये स्लाइड कर जाएगा और ये काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा, तब तक स्टैटिक रहेगा ही नहीं। मतलब जब तक यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन और ड्राइविंग फोर्स इक्वल रहेंगे, है ना। यानी ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जो सिक्स्थ पॉइंट है। इसमें हम लोग ये पता करेंगे कि जैसे कभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन पता करना हो तो उसके लिए हमें क्या स्टेप फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स पता करेंगे और नेट ड्राइविंग फोर्स पता करेंगे। टू फाइंड द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए बॉडी, फर्स्ट फाइंड द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स अवेलेबल एंड देन फाइंड नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स एफ नेट। इफ नेट ड्राइविंग फोर्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ मैक्सिमम, यानी जो ड्राइविंग फोर्स लगाया है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम है या बराबर है, दोनों ही केस में स्लिपिंग नहीं होगा, यानी जो फ्रिक्शन है फ्रिक्शन फोर्स है वो स्टैटिक होगा, देन फ्रिक्शन फोर्स ऑन द बॉडी विल बी एफ इज इक्वल टू एफ नेट। यानी जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वो नेट ड्राइविंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। जैसे ये बॉक्स वाला जो क्वेश्चन था इसमें हमने क्या देखा कि जब तक ड्राइविंग फोर्स 360 से कम था तो जितना हमने ड्राइविंग फोर्स लगाया फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही लग रहा था, और इसलिए ऐसा कहा कि जब नेट ड्राइविंग फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम हो या बराबर हो इन दोनों केसेस में क्या होगा कि स्लिपिंग नहीं होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो हमेशा ड्राइविंग फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अगर ऐसा केस बन जाए इफ एफ नेट
इज ग्रेटर देन एफ मैक्सिमम देन एफ विल बी इक्वल टू एफ मैक्सिमम। अगर बाय चांस जो ड्राइविंग फोर्स है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया, इसका मतलब स्लिपिंग हो गया। स्लिपिंग होने का मतलब या तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया है या स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स को मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के बराबर कर देंगे। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स जो है हमें याद रखने हैं, और ये वाला जो पॉइंट है खासकर ध्यान रखना है जब भी हमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पता करनी हो, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पता करनी हो। तो एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, है ना। मान लेते हैं कि यहां पर इंक्लाइन प्लेन है ना, और ये एंगल है 30 डिग्री। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है, ये जो ब्लॉक है ये मान लेते हैं कि 10 kg का ब्लॉक है। यहां पर जो म्यू है ये दिया गया है 0.6। तो हमें बताना है कि यहां पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, है ना। ये स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसका फ्री वर्ड डायग्राम बनाते हैं। जैसे नीचे जो है मैं इसका डायग्राम बनाता हूं कुछ इस तरह से, जैसे इस पर नीचे की तरफ आएगा इसका खुद का वेट 10g, इधर आएगा नॉर्मल, है ना। और 10g का कंपोनेंट हमें रिजोल्व करना पड़ेगा अगर नॉर्मल की वैल्यू निकालनी है तो। ठीक है, ये 30 है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री आएगा। वर्टिकल और नॉर्मल के बीच का एंगल इंक्लिनेशन थीटा के बराबर होता है, तो इसका कंपोनेंट इधर आएगा 10g cos 30, और इधर आएगा 10g sin 30। ठीक है, और इधर जो है वो आएगा फ्रिक्शन फोर्स। तो अगर मैं देखूं तो ये ब्लॉक ज्यादा से ज्यादा इस डायरेक्शन में खिसक सकता है, ऐसे तो चल ही नहीं सकता, तो इधर इक्विलिब्रियम में होगा। इधर इक्विलिब्रियम में होगा तो n की वैल्यू इसके इक्वल होना चाहिए, n इज इक्वल टू 10g cos 30, यानी कि √3/2, यानी ये हो गया 50√3, ये हो गया नॉर्मल की वैल्यू। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा वो होता है μs इंटू एन, μs है 0.6 इंटू 50√3, तो ये हो जाएगा 30√3, ये आ गया मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, है ना। अब जो है आप देखेंगे कि इस पर ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, तो ड्राइविंग फोर्स जैसा कि बताया यहां पर, ड्राइविंग फोर्स का एक बार डेफिनेशन देखते हैं। ड्राइविंग फोर्स का डेफिनेशन बताया है रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्सक्लूडिंग फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन को छोड़ करके जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबका रिजल्टेंट निकालना है पैरेलल टू कॉन्टैक्ट सर्फेस। तो यहां पर कॉन्टैक्ट सर्फेस कैसा है, ब्लॉक का और इंक्लाइन प्लेन का जो कॉन्टैक्ट सर्फेस है वो ऐसे है। तो इस डायरेक्शन में दो फोर्सेज लग रहे हैं, एक तो ये कॉम्पोनेंट है और एक फ्रिक्शन फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स को तो हमें लेना ही नहीं है ड्राइविंग फोर्स निकालने के लिए। यानी जो ड्राइविंग फोर्स है, जो नेट ड्राइविंग फोर्स कहते हैं, वो आएगा 10g sin 30 डिग्री, है ना, यानी कि आ जाएगा 50 न्यूटन। तो हमने नेट ड्राइविंग फोर्स भी निकाल लिया और मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स भी निकाल लिया, इतना आया है। अब हमें चेक करना है कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है या ये वाला सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक, तो देखेंगे कि ये दो है, इसकी वैल्यू आएगी कितनी, एफ मैक्सिमम जो है 30 × √3 का वैल्यू होता है 1.732, तो ये करीब 51 से भी बड़ा आएगा, है ना, ये 51 से बड़ा आएगा, और एफ नेट जो है वो 50 है। यानी ये कहा जा सकता है कि जो नेट ड्राइविंग फोर्स है ये लेस देन है एफ मैक्सिमम, मैक्सिमम फोर्स 51 से बड़ा है। ठीक, इनफैक्ट 50 से भी बड़ा है, 51 से बड़ा है तो 50 से भी बड़ा होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो बड़ा है नेट ड्राइविंग फोर्स से, तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है
है ना, नेट ड्राइविंग फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम है, यानी कि यहां पर स्लिपिंग नहीं होगा। स्लिपिंग नहीं होगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नेट ड्राइविंग फोर्स के इक्वल होगा, यानी जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एफ नेट के इक्वल होना चाहिए, यानी कि 50 न्यूटन होना चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि चूंकि यहां पर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, मतलब इस फोर्स से फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, तो फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेगा और इसके बराबर ही फ्रिक्शन फोर्स यहां से लगेगा। इसकी वैल्यू आ रही है 50, तो फ्रिक्शन फोर्स यहां पर जो होगा वो भी 50 न्यूटन का ही लग रहा होगा। ठीक,